जय श्री कृष्णा। आदर्श शिक्षण संस्थान के यूट्यूब चैनल पर आप सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। हम पढ़ रहे हैं कक्षा आदर्शवी विषय विज्ञान पाठ पहला रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण का 14वां भाग। हमने अपने पूर्व की वीडियो में पढ़ा था 13वां भाग, जिसमें पढ़ा था अपन ने उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं के प्रभाव के कारण दैनिक जीवन पर जो प्रभाव पड़ते हैं, उपचयन अपचयन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अर्थात उपचयन अभिक्रिया के दैनिक जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के कुछ उदाहरण पढ़े थे, जिसमें पढ़ा था अपन ने संसारण और पढ़ा था अपन ने विकृत गंधिता। संसारण में क्या होता है कि धातु जो होते हैं वे नमी आर्द्रता अम्ल आदि के संपर्क में आकर के उनकी जो परत होती है वो संसारित हो जाती है, इस प्रक्रिया को अपन ने संसारण कहा था। ऐसे ही उपचयन अभिक्रिया का दूसरा जो प्रभाव था वो था विकृत गंधिता। विकृत गंधिता का अर्थ होता है कि उसकी गंध और स्वाद में क्या हो जाना, परिवर्तन। किससे? वसायुक्त तेलीय खाद्य पदार्थों की गंध परिवर्तन हो जाती है उपचयन अभिक्रिया की वजह से, जिससे उसकी मूल स्वाद और गंध परिवर्तित हो जाते हैं, विकृत गंधिता। तो इस विकृत गंधिता को रोकने का अपन ने उपाय पढ़ा था कि आलू की जो चिप्स वगैरह बनाते हैं उसमें हम ऑक्सीजन गैस को हटाकर कम सक्रिय गैस नाइट्रोजन को प्रवाहित कर देते हैं, जिससे कि वो खराब नहीं हो। आज जो हम पढ़ेंगे वो है हमारे पाठगत प्रश्न। क्या है? पाठगत प्रश्न। बीच में से आए हुए कुछ प्रश्नों को हम पढ़ेंगे, जिसमें पहले हम पढ़ेंगे पेज संख्या 11 पर आए हुए प्रश्न, पाठगत प्रश्न हल करेंगे पेज नंबर 11 पर आए हुए हैं। कहाँ आए हुए हैं? 11 पर। 11 पर जो प्रश्न आए हुए हैं उनको हम हल करेंगे। चलिए देखो हमारा पहला प्रश्न क्या है। किसी पदार्थ के एक्स विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। कोई पदार्थ है एक्स दिया है, उसका उपयोग किया जाता है सफेदी करने के लिए, ठीक है। वो भी इसमें पहला प्रश्न क्या है कि पदार्थ एक्स का नाम तथा इसका सूत्र भी लिखिए, ठीक है। पहले प्रश्न है, पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 1, उसी के अंदर पहला प्रश्न है, ठीक है। तो एक पदार्थ है एक्स जिसका उपयोग किया जाता है सफेदी करने के लिए। अब सफेदी करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड का। किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड का। तो एक्स पदार्थ क्या है? वो कैल्शियम ऑक्साइड, ये तो इसका रासायनिक नाम हो गया। अब अपने को इसका सूत्र लिखना है, तो सूत्र क्या होगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। तो X पदार्थ पहला प्रश्न है, X पदार्थ का नाम और इसका सूत्र लिखिए। तो नाम तो क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड। सूत्र क्या हो गया? CaO, ठीक है। नेक्स्ट, इसी के अंदर दूसरा प्रश्न है, पहले के अंदर ही दूसरा प्रश्न है। ऊपर प्रश्न एक में लिखिए पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया करनी है, अर्थात दूसरा जो प्रश्न है पहले का दूसरा, उसके अंदर X पदार्थ जो है उसकी किसके साथ अभिक्रिया करवानी है? जल के साथ, ठीक है। तो X पदार्थ हमारा क्या है यहाँ पे? कैल्शियम ऑक्साइड। इसकी अभिक्रिया करवानी है किससे? जल के। तो जल का सूत्र H2O, क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड और ये है जल, क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अभी है प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 देखो, प्रश्न संख्या 2 क्या है इसमें? क्रियाकलाप 1.7 में एक प्रणाली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से दुगुनी क्यों है? उस गैस का नाम बताइए। तो पहले तो क्रियाकलाप 1.7 है वो है जल विद्युत अपघटन, ठीक है। तो जल का वैद्युत अपघटन किया था अपन ने, विद्युत अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार में। तो विद्युत अपघटन वाली अभिक्रिया है, तो हम क्या ले रहे हैं यहाँ पे? जल H2O का विद्युत अपघटन कर रहे हैं, अर्थात इसके अंदर हम क्या करेंगे? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं। विद्युत धारा जब हम प्रवाहित करेंगे तो यहाँ पे हमारे को प्राप्त होगा एक तो हाइड्रोजन गैस और एक प्राप्त होगी ऑक्सीजन गैस।
अभी देखिए, अगर हम इस अभिक्रिया को संतुलित करते हैं, इस अभिक्रिया को संतुलित करते हैं तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के परमाणु दो हैं, इधर भी हाइड्रोजन के परमाणु दो हैं उत्पाद में, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणु देखिए अभिकारक में या क्रियाकारक में कितना है, एक है, इधर ऑक्सीजन के परमाणु दो हैं। तो उसको संतुलित करने के लिए अपन क्या करेंगे, गुणांक के रूप में पूर्णांक दो लगा देंगे, तो ऑक्सीजन कितने हो गए दो, तो हाइड्रोजन इधर कितने हो गए अब चार, तो इस हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए अपने को क्या लगाना पड़ेगा यहाँ पे दो, ठीक है। तो अब यहाँ प्रश्न क्या है, एक गैस दूसरी गैस से दुगुनी होती है क्यों, कौन सी गैस दुगुनी है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ऑक्सीजन से दुगुनी क्या है, हाइड्रोजन गैस, तो हाइड्रोजन गैस दुगुनी है, क्या है, हाइड्रोजन गैस दुगुनी, हाइड्रोजन गैस को हम H2 गैस भी ले सकते हैं, दुगुनी है, राइट है, ठीक है। क्यों, क्यों क्या है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, क्या है, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार पदार्थ को ना तो हम बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, अर्थात द्रव्यमान को ना तो हम बना सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, अर्थात जितना हमने अभिकारक में पदार्थ लिया है उतना उतना क्या प्राप्त होना चाहिए, उत्पाद में भी प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, क्यों में क्या आ जाएगा, द्रव्यमान संरक्षण नियम से, द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण नियम से, नियम से, ठीक है, नियम आपको बताइए, बता भी दिया है। अब देखिए हम प्रश्न कर रहे हैं पेज संख्या 15 पर आए हुए उनको हल, पाठगत प्रश्न ही है, पेज संख्या 15 पर आए हुए उन प्रश्नों को हल कर लेते हैं। उसमें देखो पहला प्रश्न क्या है, प्रश्न संख्या एक, देखिए क्या है, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, किसकी कील को, लोहे की कील को, तो लोहा क्या है यहाँ पे, आयरन, आयरन का सिंबल क्या होगा यहाँ पे, Fe, क्योंकि लैटिन नाम आयरन का क्या है, फेरम, फेरम से उसका प्रतीक क्या हो जाएगा, Fe की कील को किसके, कॉपर सल्फेट के विलयन से, कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होगा, CuSO4, ठीक है, मैं डुबाया जाता है तो विलयन का रंग बदल क्यों जाता है, तो यहाँ पे देखिए विलयन का रंग बदल जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, विस्थापन अभिक्रिया संपन्न होगी, कौन सी अभिक्रिया संपन्न होगी, विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए ये जो है ये तो लोहे की कील है, कॉपर सल्फेट का ये रंग की बात करें तो हम पहले यहाँ रंग लिखते हैं इसका नीला होता है, कैसा, हल्का नीला रंग होता है, हल्का नीला रंग किसका, कॉपर सल्फेट का हल्का नीला रंग होता है, जैसे हम इसके अंदर कील डाल देंगे तो इसका रंग बदल जाता है, यहाँ पे रंगहीन हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, रंगहीन, कोई रंग नहीं रहता है, या हम कह सकते हैं मलिन हो जाता है, मलिन, ठीक है, मलिन हो सकता है, रंगहीन हो सकता है, क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया संपन्न हो जाती है, यहाँ पे आयरन जो है कॉपर से अधिक क्रियाशील होता है इसलिए, तो कॉपर कहाँ चला जाएगा, वो कॉपर जो है लोहे की कील पर पाउडर के रूप में जमा हो जाएगा, ठीक है, तो ये इसका समीकरण है। नेक्स्ट है क्रियाकलाप प्रश्न संख्या दो, प्रश्न संख्या दो है वो क्रियाकलाप के बेस पर है, क्या है, क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण देना है, इसमें क्रियाकलाप 1.10 से अलग देना है, तो देखिए 1.10 तो क्या क्रियाकलाप था उसको आप छोड़ दो, अभी अपन दूसरी भिन्न अभिक्रिया लेते हैं, उसके लिए लेते हैं हम लेड नाइट्रेट, क्या लेते हैं, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस, इसकी अभिक्रिया हम करवाते हैं किससे, पोटेशियम आयोडाइड से, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा PbI2 और साथ में बनेगा KNO3। ये जो हमने लिया है वो एक्वास है, जलीय विलयन है, यहाँ पर भी ये जलीय विलयन है, और अपने को जो प्राप्त होगा ये सॉलिड होगा, यहाँ पे पोटेशियम आयोडाइड और ये एक्वास जलीय विलयन है, ये पीले रंग का अवक्षेप होता है, पीले रंग का अवक्षेप, ये उससे अलग उदाहरण है द्विविस्थापन अभिक्रिया का, और अवक्षेप जो होता है परखने लिखे पैंदे में जम जाता है नीचे, अवगुलनशील होता है, इसलिए हम इसको तीर के निशान से नीचे लिखेंगे, तो ये हमारा उदाहरण हो गया है किसका, द्विविस्थापन अभिक्रिया का। अब देखिए
तीसरा प्रश्न क्या है, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों को पहचानिए। तो पहले हम अभिक्रिया लिखेंगे। प्रश्न संख्या तीन क्या है, देखिए, निम्नलिखित अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों को पहचानिए। इसमें पहली अभिक्रिया क्या है, पहली अभिक्रिया लिख लेते हैं हम, सोडियम की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया दे रखा है, सोडियम प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करेंगे तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, ठीक है। यहाँ पे ये सॉलिड हैं, ये गैस हैं, और यहाँ पे अपने को जो दे रखा है वो सॉलिड है, ठीक है। अब इस अभिक्रिया में कौन उपचयित हो रहा है, कौन अपचयित हो रहा है, तो देखिए आपको उपचयन अभिक्रिया की परिभाषा याद हो तो ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है ना। तो देखिए यहाँ पे सोडियम से क्या बन रहा है, सोडियम ऑक्साइड, ठीक है, सोडियम से सोडियम ऑक्साइड बन रहा है, तो सोडियम Na से सोडियम ऑक्साइड Na2O, सोडियम से सोडियम ऑक्साइड में उपचयन हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ता है। लेकिन ऑक्सीजन को देखिए, यहाँ ऑक्सीजन के परमाणु कितने हैं, दो, और यहाँ ऑक्सीजन कितना हो गया, एक। ऑक्सीजन में कमी होना क्या होता है, अपचयन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन O2 का अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अर्थात सोडियम से तो सोडियम ऑक्साइड क्या हो गया है, ऑक्सीकृत हो गया है या ऑक्सीकरण हो गया है, या फिर हम कह सकते हैं उपचयन हो गया है। लेकिन ऑक्सीजन में क्या हो गया है, अपचयन हो गया, क्योंकि ऑक्सीजन में क्या हो गई है, कमी हो गई है, ये हमारा आंसर था। दूसरी इक्वेशन है कॉपर ऑक्साइड है हमारे पास, CuO क्या है, ये सॉलिड है, ठोस है, की अभिक्रिया हो रही है किसके साथ, H2 के साथ, तो क्या बन रहा है, देखिए एक बन जाएगा H2O और एक बनेगा कॉपर, क्या बनेगा, कॉपर। अवस्था दे रखी है यहाँ पे, ये लिक्विड है और कॉपर ठोस पदार्थ हैं। अब देखिए इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, तो देखिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड है और यहाँ पे कॉपर हो गया, तो ऑक्सीजन की यहाँ क्या हो गई है, कमी। ऑक्सीजन की कमी होना क्या होता है, अपचयन। तो कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में अपचयन तो कॉपर में क्या हो गया, अपचयन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन हटता है, और हाइड्रोजन का जल में क्या हो रहा है, उपचयन, H2O में उपचयन हो रहा है, उपचयन होता है, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे हाइड्रोजन अकेला है, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ योग हो गया है ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का योग या ऑक्सीजन का जुड़ना क्या कहलाता है, उपचयन या ऑक्सीकरण कहलाता है ना। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड तो कॉपर में अपचयित हो रहा है या इनका अपचयन हो रहा है, और हाइड्रोजन का जल में उपचयन हो रहा है। आज की इस वीडियो में इतना ही। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।